यादें होंगी ऐसी जो जिंदा रहेंगी, भुलाए न भूलेंगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। दारा सिंह बीते 10 दिन से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थी। उनके स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टरों की लाखों कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में दारा सिंह अंतिम वक्त में अपने घर पर रहना चाह रहे थे। दारा सिंह का वेंटिलेटर हटाकर उन्हें घर ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वेंटिलेटर हटाने का फैसला बिंदु सिंह और परिवार के सदस्यों का था। 84 वर्षीय अभिनेता को 7 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से वो आईसीयू में थे। मुझे यूं भुला न पाओगे। निश्चित तौर से उनके निधन के बाद एक बहुत बड़ी क्षति जहां कला के क्षेत्र में हुई है, खेल के क्षेत्र में हुई है, वहीं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को भी एक बहुत बड़ा धक्का और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अपनी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि देते हैं और उनके दुआ करते हैं कि उनके परिवार को इतनी शक्ति मिले कि वो इस संकट के और इस कष्ट के समय में उभर सके और उसको उस पर विजय हासिल कर सके। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हो तुम मुझे। फिल्मों में आने से पहले भी दारा सिंह पूरी दुनिया में मशहूर थे। इसकी वजह थी कुश्ती। दारा सिंह भारत के फ्री स्टाइल कुश्ती के पहले चैंपियन थे। लगभग 3 दशक से अपने करियर में दारा सिंह ने दुनिया के कई नामी पहलवानों को शिकस्त दी, जिनमें किंग कॉन्ग जैसे पहलवान भी शामिल थे। ये कहानी है भारत की परंपरागत कुश्ती के सबसे बड़े दबंग दारा सिंह की। वो दबंग जिसने 2 दशक तक कुश्ती की दुनिया पर राज किया। साल 1947 से 1968 तक दुनिया ने दारा सिंह की ताकत और हिम्मत का लोहा माना। दारा सिंह ने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई। पंजाब के अमृतसर का छोटा सा गांव धर्मूचक गांव देखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसकी पहचान काफी बड़ी है। रुस्तमे हिंद कहे जाने वाले दारा सिंह का जन्म यहीं हुआ था। गांव की इन छोटी सी गलियों में खेलते हुए दारा सिंह ने कुश्ती के हर दाव पेच सीखे। दारा सिंह और उनके भाई सरदार सिंह रांगवा ने मिलकर पहलवानी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों में कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन करना शुरू कर दिया। इसके बाद दारा सिंह सिंगापुर चले गए, जहाँ उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में झंडे गाड़ने शुरू किए। गांव है एक पंजाब में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है और गांव का नाम है धर्मूचक। अमृतसर से कुछ 30 किलोमीटर दूर है और वहां पैदा हुए थे। और उस ज़माने में जब पैदा हुए थे तो गांव का कुछ और नक्शा था, आज और है। मैं गांव में अभी भी जाता रहता हूं। सिंगापुर में गया था मैं, कुछ 17-18 साल की उम्र थी और गया था मैं काम ही करने था कि पहले भी मेरे फादर भी वहाँ रह चुके हैं, मेरे चाचा भी थे और गया भी उनके साथ ही था, चाचा के साथ ही था। नए लड़के को तो पता ही नहीं कैसे जाना है, चाचा के साथ ही गया था। और चाचा वहाँ पहले रह चुके थे और मैं जाना चाहता था और गांव में वो आए हुए थे, तो मैंने उसको कहा कि मुझे भी सिंगापुर जाना है। तो क्या छोड़ो, सिंगापुर कुछ नहीं है, ऐसे टाल देते थे। तो गर्मियों के दिन थे, खेतों में काम करते हैं ना, जब पहले फसल काटी जाती है गेहूं की, तो उसके बाद खाद डालते हैं खेतों में। तो खाद जो भैंसों की गऊ की होती है, वो ढेरी बनी होती है बहुत और साल भर की, और उसको फिर लाद के रेड़े पे खेतों में लेके जाते हैं। बहुत गर्मी थी, हम दोनों लगे हुए थे वो खाद को उसमें डालने, और इतनी गर्मी लगी पाँव को, उसको कुल्हाड़े से जब निकालते हैं ना खाद को, तो अंदर से भाप निकलती गर्मी की, तो बहुत दुखी हुए। तब वो मान गए कि हाँ सिंगापुर चलते हैं। मुझे यूं भुला न पाओगे। साल 1950 में दारा सिंह ने फ्री स्टाइल में अपनी पहली फाइट जीती।
दारा सिंह भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशिया चैंपियन तरलोक सिंह को हराकर मलेशिया कुश्ती चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की तरफ चल पड़ा और एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह 1952 में भारत लौट आए। दारा सिंह का नाम कुश्ती की दुनिया में डर का दूसरा नाम बन चुका था। दारा सिंह कुश्ती की दुनिया के दबंग थे, वे दबंग जिससे लड़ने में दुनिया का हर पहलवान डरता था, क्योंकि 50 से 60 के दशकों में दारा सिंह को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। बॉलीवुड की फिल्मों में भी दारा सिंह की कुश्तियां जमकर बोली। साल 1960 और 1970 के दशक में दारा सिंह कई फिल्मों में कुश्तियों के अखाड़े में नजर आए। एक्ट्रेस मुमताज के साथ उन्होंने 16 फिल्मों में काम किया। दारा ने करीब 100 फिल्मों में काम किया। उनकी हाल ही की फिल्म जब वी मेट में और पंजाबी फिल्म दिल अपना पंजाबी प्रमुख हैं। साल 1952 में फिल्म संग दिल से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था। उन्होंने वतन से दूर, रुस्तम ए बगदाद, शेर दिल, सिकंदर ए आजम, राका, मेरा नाम जोकर, धर्म करम और मर्द सहित कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अंतिम बार 2007 में आई जब वी मेट में अभिनय किया था। इससे पहले दारा सिंह ने सन 1980 के दशक में टेलीविजन की तरफ रुख किया। उन्होंने कई टेलीविजन के सीरियलों में काम किया, जिनमें से प्रमुख रहा रामायण। इसी बीच 1983 में दारा ने औपचारिक तौर पर कुश्ती को अलविदा कह दिया था। उन्हें टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान जी के अभिनय से अपार लोकप्रियता मिली। इस सीरियल में उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया। इसी की वजह से दारा सिंह को देखते ही लोगों के जहन में जो आज भी पहला अक्स उभरता है वो बजरंग बली का ही होता है। हनुमान के चरित्र को दारा सिंह ने जीवंत कर दिया था, जिसके चलते आज तक हनुमान वाली उनकी छवि लोगों के मन मस्तिष्क पर है। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी प्रदान की। उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए थे। वर्ष 2007 में जब वी मेट उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन वर्ष 1976 में आई रामायण में जय बजरंग बली हनुमान जी का किरदार निभाकर लाखों दिलों को जीत लिया था। यादें होंगी ऐसी जो जिंदा रहेंगी, भुलाए न भूलेंगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न